सरकार ग्राम रक्षा दल को एक पैसा भी नहीं दे रही है, सिर्फ इन लोगों से काम लिया जा रहा है, हम लोगों से काम लिया जा रहा है, पैसा आप लोग नहीं दे रही है, एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। हम लोग का वेतन स्थायीकरण किया जाए, अभी वेतन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो बैलेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, अभी भी बोले एक तारीख को हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, इसीलिए मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आज यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे लेकिन आज नहीं जाएंगे, नहीं मानेंगे उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन तो पहुँच गया तो कोई बात नहीं, नहीं हटना, चाको आ जा, पुलिस कर्मी हर सब कोशिश कर रहे हैं, अब धक्का मुक्की भी हो रही है, देखिए सही तस्वीर आप देख सकते हैं, अब जो है यहाँ से लोग उठाया गया है, देखिए महिला कर्मी है, देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी को इस प्रकार से उठाया गया है, देखिए आप सीधी तस्वीर देखिए, देखिए किस प्रकार से महिलाओं को उठा करके अंदर ले गया गया है, सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नजारा है कि किस प्रकार से तमाम जो प्रदर्शनकारी थे अब उन्हें पुलिस कर्मी हटा करके ले जा रहे हैं, देखिए हाँ, प्रशासन पुलिस कर्मी है वो यहाँ से सब लोग को हटा दिए हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंह। देखिए ग्राम रक्षा दल के तमाम जो कर्मी हैं वो आज भाजपा कार्यालय के गेट के सामने बैठ करके जन आक्रोश आंदोलन कर रहे हैं, तमाम जो सिपाही हैं वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ मांग है, क्या वजह है, तमाम मुद्दे पे हम बात करेंगे। कहाँ से आए सर? जी मैं खगड़िया से आया हूँ। क्या कुछ मांग है आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? हमारा मांग है कि हम लोगों को मानदेय दिया जाए, हम लोग विगत कई वर्षों से यानी कहिए तो 15-2004 से ग्राम रक्षा दल को लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार ग्राम रक्षा दल को एक पैसा भी नहीं दे रही है, सिर्फ इन लोगों से काम लिया जा रहा है, हम लोगों से काम लिया जा रहा है, पैसा आप लोग नहीं दे रही है, एक रुपया भी नहीं मिल रहा है। अगर कहीं शांति समिति बैठक होगी, मुहर्रम होगा, मेला होगा, दुर्गा पूजा होगा, सब में हम लोग काम करते हैं, आपदा में भी हम लोग काम करते हैं, शराबबंदी सरकार ढिंढोरा पीट रही है उसमें हम लोगों का योगदान। आप लोग को नौकरी मिली थी उस वक्त क्या कहा गया था? कहा गया था कि सरकार आपको देगी आप काम कीजिए, सरकार जब आपको देगी तो हम देंगे, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास सबूत है, पढ़ा जाए इसको। कितना दिन से कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2016 से कर रहे हैं, 2004 से लोग कर रहे हैं, कुछ लोग 2004 से 2006 से, 2004 से 2006 से यानी इतने दिन से कर रहे हैं लेकिन कोई भी अभी तक पैसा नहीं मिला, एक रुपया भी नहीं मिला है, और ये पुलिस अधीक्षक खगड़िया के आदेश पत्र को पढ़ा जाए, इन्होंने हम लोग को बहाल किया है। आप लोग सिर्फ खगड़िया से हैं, पूरे बिहार से हैं? पूरे बिहार के हैं, मैं खगड़िया जिला से हूँ। और भी कुछ लोग से हम बात करेंगे, कहाँ से आए हैं? हम खगड़िया जिला से। क्या कुछ मांग किया? हम लोग का वेतन स्थायीकरण किया जाए, अभी वेतन कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, जॉब में कुछ लोग क्या बोला गया? जॉब में आप बस श्वासन पे श्वासन दे रहे हैं, अगला बार भी आए थे, यहीं पे आए थे, घेराव किए थे, लेकिन इससे पहले कहीं बात करने गए थे इस मुद्दे को लेकर? बहुत जगह बात हुई है, यहाँ से दिल्ली तक पहुँचे हैं, लेकिन बस श्वासन पे श्वासन दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं हम लोग को सरकार? सिर्फ बोलते हैं। क्या क्या कहाँ से आए हैं? बेगूसराय से। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे जो हम लोग ड्यूटी करते हैं कोरोना में, पर्व में, हर त्योहार में, हम लोग को सरकार आश्वासन पर आश्वासन देते हैं मान्य, और हमको वेतन भरता चाहिए। कितना वेतन चाहते हैं? कितना वेतन चाहते हैं? चाहते तो कुछ भी, लेकिन सरकार जो हम यहाँ आए हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, अगर नहीं करेंगे तो यहीं हम मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हम हटेंगे नहीं। कब से? 2012 से। 2012 से जी। अभी तक कोई पैसा नहीं? कोई पैसा नहीं, एक रुपया, जीरो बैलेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहे कि हो जाएगा, अभी भी बोले एक तारीख को हो जाएगा लेकिन नहीं होगा, इसीलिए मर जाएंगे लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं। बीजेपी किसी नेता से बात हुई है? बीजेपी कार्यालय बाहर आप? जी सर, उससे भी बात हुई, बस आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं लेकिन कोई उसका आगे प्रोसेस कोई कुछ नहीं है। कोई प्रोसेस आगे नहीं है? आप कहाँ से आए हैं? मीरपुर से। क्या कुछ मांग है? स्थायीकरण। कब से जॉब कर रहे हैं? 2012 से। अभी तक कोई पैसा नहीं मिला? नहीं, जॉब करते हैं, कोई त्योहार में करते हैं जैसे छठ और दशहरा पूजा, या लॉकडाउन में जो किए हैं कुछ भी स्थायी करने, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। आपको जॉब पे रखी गई तो उसमें क्या बोला? कि बोला था कि दिया जाएगा, स्थायीकरण होगा,
ये बोला गया था, पर अभी तक कोई कुछ नहीं सुना है। क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग 2012 से ही कर रहे थे, अभी लोग हमको सरकार एक इसके आवाज में एक भी रुपए नहीं दे रही है। हम लोग को मानदेय एवं स्थायीकरण चाहिए। जब आप जॉब ज्वाइन किए थे उसमें क्या बोला? उसमें बोला था कि मिल जाएगा, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन ही मिलते आ रहा है। और थाना प्रभारी के आदेशा अनुसार हम लोग हर एक पर्व पूजा त्योहार में काम करते हैं। कोरोना पहले कहाँ कहाँ गए हैं? गर्दनी बाग में धरना किए, कई बार हम लोग आक्रोश आंदोलन किए, आत्मदाह किए, विधानसभा का घेराव किए हम लोग, लेकिन अभी तक सरकार हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन। सरकार आप ऐसे बैठे रहेंगे, आंदोलन की बात मानेगी? आज लगता तो है मान जानी चाहिए, अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग आज यहीं रहेंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, आत्मदाह कर लेंगे, लेकिन आज नहीं जाएंगे हम। नहीं जाएंगे, मान लिया? नहीं जाएंगे। कहाँ से आए? बीरपुर से आए हैं, सुपौल जिला बीरपुर से, पसंतपुर प्रखंड से आए हैं। मानदेय और अस्थायीकरण के लिए आए हैं। सरकार आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि आपको मानदेय फिक्स कर देंगे, अस्थायीकरण कर देंगे। पहले कहाँ बात हुई, आश्वासन किससे मिला था? गर्दनी बाग में भी मिला था, जीतनराम मांझी जी आए थे जी, बोले थे आप लोगों को कर दिया जाएगा, अस्थायीकरण कर दिया जाएगा। तो सरकार में भी आ गए हैं जी? जी जी, क्या लग रहा है? हाँ करेंगे, लेकिन वही आश्वासन दे दे करके। जी जी जी, सरकार बात मान जाएगी? हाँ मानेगी, क्यों नहीं? नहीं मानेगी, उग्र प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन तो पहुंच गया तो कोई बात नहीं, नहीं हटना, नहीं हटना। चाहो आ जा, बीरपुर से सर, सुपौल जिला से। क्या लग रहा है, आज मांगे सरकार? आज पक्का मानेगा सर, आज हटना नहीं है इसने। आज यहाँ बैठे रहेंगे, आज जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हटेंगे नहीं। आज देखिए, तमाम जो सिपाही कर्मी है ग्राम रक्षा दल के, वो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय के बाहर बैठे धरना पे, और उनका मांग है कि हम लोग का जब भर्ती हुआ था उसमें हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि अस्थाई करेंगे, लेकिन अभी तक जो है हम लोग को कोई भी वेतन नहीं मिल रहा। देखिए तमाम जो कर्मी है, पुलिस कर्मी देखिए पहुंचे हुए हैं, अब यहां से भगा रहे हैं सबको। देखिए अब देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर का आपको नजारा दिखा रहा है, आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस कर्मी है वो पहुंच गए हैं अब यहाँ पे हटाने के लिए। ये लोग को देखिए बीजेपी कार्यालय के बाहर का आपको नजारा दिखा रहे हैं, तमाम जो पुलिस कर्मी है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं, अब ये लोग को हटाने का जो है हरसक प्रयास किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से तमाम जो ग्राम रक्षा दल के यहाँ पे कर्मी पहुंचे हैं और जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए थे, आंदोलन कर रहे थे, कि पुलिस कर्मी जो है अब वो यहाँ से इन लोग को हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कि तमाम तरह के जो लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं, तमाम आंदोलनकारी हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो पुलिस कर्मी अब इन्हें धक्का देकर बाहर कर रहे हैं। देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से सीधा देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम जो पुलिस कर्मी है वो बाहर कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं इस वक्त लाइव बिहार पे। देखिए सीधे तस्वीर आप भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर से तमाम जो कर्मी है उनको देखिए हटाया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, तो ग्राम रक्षा दल के तमाम लोग हैं, देखिए पुलिस की वाहन है, कोतवाली थाना के आई हुई है, और ये लोग हटा रहे हैं यहाँ से। देख सकते हैं सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नजारा है, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तमाम जो प्रदर्शनकारी है और पुलिस में भिड़ंत हो गई है। देखिए पुलिस कर्मी जो है वो अब यहाँ पे जबरदस्ती सबको हटा रहे हैं, देखिए लाठीचार्ज भी हो रही है, आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नजारा है। तमाम जो ग्राम रक्षा दल के लोग हैं, सदस्य यहाँ पहुंचे हुए हैं, हालांकि पुलिस कर्मी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि लोगों को हटा दे, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि ये लोग यहाँ से हटते हैं या इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त की आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से झड़प हो रही है। देखिए ग्राम रक्षा दल के लोग हैं तमाम और पुलिस कर्मी है आपस में ही भिड़ गए हैं। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से अब बाहर किया जा रहा है सबको। सीधी तस्वीर देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का नजर आपको हम दिखा रहे हैं कि ग्राम रक्षा दल के तमाम लोग यहां पे आए थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। देखिए पुलिस कर्मी जो है वो धक्का मुक्की चल रहा है दोनों के बीच। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए देखिए सीधी तस्वीर पुलिस कर्मी हर सक कोशिश कर रहे हैं, अब धक्का मुक्की भी हो रही है। देखिए नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए किस प्रकार से जो पुलिस कर्मी है वो अब यहां से हटाने का हर सक कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से झड़प हो रही है
आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से किस प्रकार से जो है वो एक सिपाही कर्मी गिर गए हैं। देखिए देखिए किस प्रकार से सही तस्वीर आप देख सकते हैं। अब जो है यहाँ से लोग उठाया गया है, देखिए महिला कर्मी है, देखिए किस तरह से महिला पुलिसकर्मी को इस प्रकार से उठाया गया है। देखिए आप सीधी तस्वीर देखिए, देखिए किस प्रकार से महिलाओं को उठा करके अंदर ले गया गया है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, देखिए देखिए पुलिसकर्मी की महिला पुलिसकर्मी को लेकर गया है बाहर चला गया। देखिए सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का तमाम जो कार्यकर्ता है, देखिए वो अब आंदोलनकारी भीड़ गए हैं पुलिस गाड़ी के बाहर, देखिए अब पीट रहे हैं गाड़ी को, एक जो है प्रदर्शनकारी उसको जीप के अंदर बैठा लिया गया है। अब वही पुलिसकर्मी के गाड़ी पर ही टूट पड़े हैं तमाम लोग। सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है कि किस प्रकार से तमाम जो प्रदर्शनकारी थे अब उन्हें पुलिसकर्मी हटा करके ले जा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर आपको हम लाइव दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है, टूट पड़े हैं सभी पुलिसकर्मी। देखिए सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए किस प्रकार से गिर रहे हैं बजर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी से भिड़े हुए हैं तमाम जो ग्राम रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ता है, तमाम जो आंदोलनकारी हैं वो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बाहर जो है ये लोग डटे हुए हरे हुए हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ले जाया जा रहा है। सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का यह नज़ारा है तमाम जो, देखिए देखिए किस प्रकार से झड़प हो रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं आप किस प्रकार से पुलिसकर्मी और ग्राम रक्षा दल में झड़प हो गई है। बीजेपी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर के माध्यम से भरसक पुलिस कोशिश कर रहे हैं ग्राम रक्षा दल के तमाम कार्यकर्ताओं को रोक ले। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर ये देखिए भगदड़ मच गई है, तमाम जो लोग हैं अब उन्हें लाठीचार्ज के द्वारा बाहर किया जा रहा है। देखिए आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, अब सभी प्रदर्शनकारियों को जो है बाहर खदेड़ दिया गया है, कुछ लोग गिर गए हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का आपको नज़ारा दिखा रहा है, किस प्रकार से तमाम जो पुलिसकर्मी थे वो भगा दिया है ग्राम रक्षा दल के तमाम लोगों को यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे थे। आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है, तमाम जो पुलिस बल है वो ग्राम रक्षा दल को बाहर खदेड़ दिए हैं, भगा दिए हैं। देखिए आप सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का ये नज़ारा है, और तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अंत में लाठीचार्ज करके सभी को बाहर खदेड़ दिए हैं, भगा दिए हैं। ग्राम रक्षा दल के तमाम लोग यहाँ पे आए थे, देखिए हम कुछ लोग से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या है पुलिस हम लोग के साथ न्याय हो रहा है, नीतीश सरकार न्याय कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग मर जाएंगे यही, नहीं जाएंगे यहाँ से कहीं। क्या क्या मारे हैं जब आए हैं ग्राम रक्षा दल के धरना पर, धरना मारे हैं हम लोग को, मारे हैं हाँ सब लोग के मारे हैं, दोस्तों से जो सब स्थाई कर नहीं देंगे, नहीं जाएंगे जहाँ भी हो यहाँ करके हम लोग से मिले। आप लोग हैं वर्दी में प्रदर्शन कर रहे हैं, हाँ प्रशासन हम लोग प्रशासन आए हैं, पुलिसकर्मी है वो यहाँ से सब लोग को हटा दिए हैं। लोगों का कहना है कि पुलिसकर्मी जो है वो हमारी बात नहीं माने, हम लोग धरना बैठे थे, हम लोग को जबरन हटाया जा रहा है, हम लोग जो भी हो जाए मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे। तो देखने वाली बात होगी जिस प्रकार से ये लोग आंदोलन कर रहे थे, और आंदोलन करने के पश्चात जो है ये लोग पे लाठीचार्ज किया गया है और ये लोग को यहाँ से जबरन भगाया गया है। देखिए वहाँ पर सीधी लाठीचार्ज हो रहा है, आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए देखिए सामने देखिए लाठीचार्ज हो रही है, सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, लाठीचार्ज हुई है। देखिए तो आपने देखा सीधी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर का, हमने दिखाया कि तमाम जो ग्राम रक्षा दल के लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, जो भी सिपाही थे उन पे लाठीचार्ज हुई और पुलिसकर्मी ने उन्हें भगा दिया है। कई लोगों का आरोप है कि लाठीचार्ज हुई है, और हमने आपको लाइव दिखाया कि लाठीचार्ज वास्तव में हुई है और इनका जो आरोप था और इन लोगों को बाहर भगा दिया, हालांकि कहना कि मर जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, तमाम कर्मी जो वो लगे हुए हैं आप अभी देख सकते हैं यहाँ पे ग्राम रक्षा दल के कुछ लोग बाहर खड़े हैं, उधर भगा दिया गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो सबको हटा दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब क्या आगे के लोग करते हैं, इस पर मैं इतना ही आखिर देखते लाइव, धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।